नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर, जहां दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रॉस कॉइन। ये क्रॉस कॉइन अलग अलग डिनोमिनेशन में आए हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज और 10 रुपीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन क्रॉस कॉइन में कौन कौन से क्रॉस कॉइन वेल्युबल है, कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है और कौन सी मिंट का सिक्का स्केयर है और कौन सा कॉइन कॉमन है। इन क्रॉस कॉइन में हमें कौन कौन से कॉइन को कलेक्ट करना चाहिए और कौन से कॉइन को नहीं। इन क्रॉस कॉइन की जानकारी मैं आपको कॉइन बुक 2023 के अनुसार और इन सिक्कों की मार्केट में क्या कीमत चल रही है वर्तमान समय में, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है शुरू से लेकर अंत तक। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहले बार आए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस 1 रुपये के सिक्के के बारे में। ये सिक्का 2004, 2005 और 2006 में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बना है। इस सिक्के का वजन 4.85 ग्राम के आसपास है, साइज 25 mm, शेप सर्कुलर है। इन सिक्कों के रिवर्स साइड में सिंगल लाइन क्रॉस देखने को मिलता है। ये क्रॉस कॉइन बने हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की थीम पर, जिसका अर्थ है अनेकता में एकता। सबसे पहले इन सिक्कों को कॉइन बुक के अनुसार जानते हैं, फिर बात करेंगे कॉइन मार्केट की इन सिक्कों की क्या कीमत है। दोस्तों, यह है 2023 की कॉइन बुक। अब देखते हैं इन सिक्कों के बारे में जानते हैं। ये सिक्के 2004, 2005, 2006 में बने हैं। इन सिक्कों में सबसे पहले 2004 के सिक्कों को देखते हैं, जो रेयरिटी के मामले में रेयर दिखाया गया है, जो कि बॉम्बे मिंट में बना है। वेरीफाइड कंडीशन में कीमत 200 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 500 और यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये इसकी कीमत दिखाई गई है। अब बात करते हैं 2005 के सिक्कों की। तो 2005 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट में बने हैं। 3 मिंटों के सिक्के स्केयर दिखाए गए हैं और नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं 2005 के बॉम्बे मिंट के सिक्के की। तो वेरीफाइन कंडीशन में 10 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये इस सिक्के की कीमत दिखाई गई है। वहीं 2005 के कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत वेरीफाइन में 5 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये दिखाई गई है। रेयरिटी के मामले में स्केयर्स का दिखाया गया है कॉइन बुक में। बात करें हैदराबाद मिंट के सिक्के की, तो यह भी रेयरिटी के मामले में स्केयर है। वेरीफाइन में 5 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये कीमत दिखाई गई है। अब बात करते हैं 2005 के नोएडा मिंट के ही सिक्के की। तो रेयरिटी के मामले में कॉमन है, लेकिन कीमत वेरीफाइन में 10 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये दिखाई गई है। जबकि कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केयर हैं, जिनकी प्राइस यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये दिखाई गई है, जबकि नोएडा मिंट का सिक्का कॉमन दिखाया गया है। प्राइस इन स्केयर सिक्कों से ज़्यादा दिखाई गई है, 50 रुपये। अब बात करते हैं 2006 के सिक्के की, जो कि सिर्फ और सिर्फ नोएडा मिंट में बना है। रेयरिटी के मामले में स्केयर है। वेरीफाइन में 15 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 25 रुपये, यूएनसी कंडीशन में सिक्के की कीमत 100 रुपये दिखाई रखी है। दोस्तों, अब जानते हैं कॉइन मार्केट के अंदर या फिर फेसबुक के अंदर इन सिक्कों की क्या कीमत चल रही है। दोस्तों, कॉइन मार्केट के अंदर सबसे महंगा इस 1 रुपये में जो सिक्का आता है, वो है 2004 के बॉम्बे मिंट का सिक्का। सबसे महंगा सिक्का है और एक रेयर सिक्का है। इस सिक्के की वर्तमान समय की कीमत की बात करें यूएनसी कंडीशन में, तो इस सिक्के की कीमत 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये के मध्य हो सकती है यूएनसी कंडीशन में। एक्स्ट्रा फाइन में 1500 रुपये और वेरीफाइन में 800 से 1000 रुपये इसी की कीमत हो सकती है 2004 के बॉम्बे मिंट की। दोस्तों, 2005 के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का है बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के। इन सिक्कों की वर्तमान समय में कीमत यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक चल रही है। वहीं कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का
की कीमत जो कि स्केयर दिखाए गए हैं उनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक चल रही है। अब बात करते हैं 2006 के सिक्के की जो कि नोएडा मिंट में ही बना है। इस सिक्के की वर्तमान समय में कीमत यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये तक चल रही है। दोस्तों ये थी जानकारी 1 रुपये के क्रॉस कॉइन की। अब बात करते हैं 2 रुपये के क्रॉस कॉइन की। ये 2 रुपये के सिक्के 2005, 2006, 2007 में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बने हैं। इन सिक्कों का वजन 5.62 ग्राम के आसपास होता है। साइज 27 mm, शेप सर्कुलर। इन 2 रुपये के क्रॉस कॉइन के रिवर्स साइड में डबल लाइन क्रॉस दिखाया गया है। अब जानते हैं कॉइन बुक में इन सिक्कों की क्या बुक प्राइस दे रखी है और कॉइन मार्केट में क्या प्राइस है। सबसे पहले बात करते हैं 2005 के सिक्के की। 2005 में ये सिक्के चारों मिंटों में बने हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। और रेटिंग मामले में चारों ही सिक्के कॉमन है, जिनकी कीमत वेरीफाइन में 5 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये दिखाई गई है। अब बात करते हैं 2006 के सिक्कों की। तो 2006 के सिक्के 3 मिनटों में बने हैं, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट में। और तीनों सिक्के रेटिंग मामले में कॉमन है, जिनकी वेरीफाइन कंडीशन में 5 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये कीमत दिखाई गई है। अब बात करते हैं 2007। 2007 में भी ये 3 मिनटों में बने हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। और तीनों सिक्के कॉमन है, वेरीफाइन में इन सिक्कों की कीमत 5 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये दिखाई गई। दोस्तों अगर कॉइन मार्केट की या फिर फेसबुक की बात करें तो इन सिक्कों की कोई भी डिमांड नहीं है कॉइन मार्केट में अभी फिलहाल। हाँ, यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की डिमांड है। अगर आपके पास इन सिक्कों का पैकेट है तो वर्तमान समय में एक पैकेट की कीमत 3 से 4 हज़ार रुपये तक हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस 5 रुपये के सिक्के की। ये 5 रुपये का सिक्का 2007 में जारी किया गया था। इस सिक्के के भी रिवर्स साइड में सिंगल क्रॉस दिखाया गया है। ये सिक्के भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बने हैं, वजन में 6 ग्राम, साइज 25 mm, शेप सर्कुलर। ये सिक्के 2007 में सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट में बने हैं। कॉइन बुक के अनुसार इन सिक्कों की क्या कीमत है कॉइन बुक में देखते हैं। कॉइन बुक में ये सिक्के सिर्फ 2007 में ही बने हैं, कलकत्ता मिंट द्वारा। रेटिंग के मामले में रेयर है ये सिक्का। वेरीफाइन में 500 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 1000 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपये इस सिक्के की कीमत कॉइन बुक में बताई गई है। अब जानते हैं कॉइन मार्केट या फिर फेसबुक में इन सिक्कों की क्या कीमत चल रही है। दोस्तों फेसबुक और कॉइन मार्केट में इस 5 रुपये के स्टील के सिक्के की भारी डिमांड है। 1 साल पहले इन सिक्कों की कीमत 1200 रुपये तक चल रही थी यूएनसी कंडीशन में। जैसे ही आरटीआई आई, इन सिक्कों की मिंटेज मालूम हुई कि बहुत ही कम है, तो इन सिक्कों की कीमत 1200 रुपये से 8000 रुपये तक चली गई है। पहले 1200 रुपये थी, अब 8000 रुपये तक इस सिक्के की वर्तमान कीमत चल रही है यूएनसी कंडीशन में। अगर ये सिक्का घिसा पिटा भी हुआ तो इस सिक्के की कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये के मध्य चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं 10 रुपये के क्रॉस कॉइन के बारे में। ये 10 रुपये का सिक्का 2005, 2006, 2007 में बने हैं। ये सिक्के दो धातुओं से मिलकर बने हैं। इन सिक्कों को बाईमेटलिक कॉइन कहते हैं। इन सिक्कों का वजन 7.71 ग्राम होता है, साइज 27 mm, शेप सर्कुलर। इन सिक्कों की रिवर्स साइड में डबल क्रॉस लाइन देखने को मिलता है। अब जानते हैं इन सिक्कों की कीमत क्या है कॉइन बुक में और कॉइन मार्केट में क्या कीमत है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉइन बुक के अनुसार इन सिक्कों की क्या कीमत दे रखी है। सबसे पहले 2005, 2005 में ये सिक्के नोएडा मिंट में ही बने हैं। रेटी के मामले में स्केयर दिखाया गया है। एक्स्ट्रा फाइन में कीमत 400 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये बता रखी है। वहीं 2006 के सिक्के को जो कि नोएडा मिंट में बनाया है कॉमन दिखाया गया है। एक्स्ट्रा फाइन में कीमत 20 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 25 रुपये दिखा रखी है। वहीं 2007 का सिक्का भी स्केयर दिखाया गया है जो कि नोएडा मिंट में बना है। एक्स्ट्रा फाइन में कीमत 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक इसी की कीमत दिखा रखी है। अब बात करते हैं कॉइन मार्केट या फिर फेसबुक पर क्या कीमत चल रही है वर्तमान समय में इन सिक्कों की। अब बात करते हैं इन सिक्कों की कॉइन मार्केट
या फिर फेसबुक पर इन सिक्कों की वर्तमान समय में क्या कीमत चल रही है। दोस्तों इन सिक्कों में जो सबसे कीमती सिक्का है वो 2005 का क्रॉस कोइन है, जो कि नोएडा मिंट में बना है, सबसे महंगा सिक्का है। ये सिक्का रेयर की श्रेणी में आता है। वर्तमान समय में इस सिक्के की कीमत 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक चल रही है यूएनसी कंडीशन में। वहीं अगर ये सिक्का वेरीफाइड कंडीशन का हुआ तो इस सिक्के की कीमत 800 रुपये तक चल रही है। इन्हीं सिक्कों में दूसरा जो कीमती सिक्का है वो है 2007 के नोएडा मिंट का सिक्का, जो कि केयर की श्रेणी में आता है। इस सिक्के की वर्तमान समय में कीमत यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक चल रही है। वहीं 2006 का सिक्का कॉमन सिक्का है, जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 15 से 20 रुपये चल रही है। दोस्तों ये थी जानकारी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के क्रॉस कॉइन के बारे में। अगर आपको इन्हीं सिक्कों में अगर मिलता है कोई एरर, जैसे डाई रोटेशनल या फिर डाई शिफ्टेड एरर हो, तो इन सिक्के की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो के बारे में दो शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।